प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। शिमला से उनकी तस्वीरें भी सामने आ रहे हैं। शिमला में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस समय सड़क के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। दो दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को ईडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके ईडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा फोंका। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है।